एससी वर्मा कैपेसिटर्स का न्यूमेरिकल वन, व्हेन 1 × 10^12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपियर्स बिटवीन द कंडक्टर्स, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। तो एक सिस्टम दी हुई है यहाँ पे, दो प्लेट्स, दो कंडक्टर्स दिए हुए हैं और कहा है कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर 1 × 10^12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जैसे एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, जिस कंडक्टर से वो ट्रांसफर हुए वहां पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो गए तो इलेक्ट्रॉन पर उतना नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी होगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, मतलब यहाँ पे उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस तरह से यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना आ रहा है तो कहा है कि 10 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस दो कंडक्टर के बीच में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस केस में यहाँ पे जो सिस्टम होगी उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो अभी जितना चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, जितना चार्ज उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो उतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा मतलब एक चार्ज क्यू यहाँ पे जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा, यहाँ से जितना यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब इनके बीच में ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इनको हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वी, और वो कांस्टेंट अगर सी से दिखाया तो क्यू इज इक्वल टू सी इनटू वी। तो ये इक्वेशन होगा या इस इक्वेशन से हम सी इज इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं क्यू अपॉन वी। तो सी और ये क्यू क्या होता है, तो एक मतलब चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10^-19, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब एक q इज इक्वल होगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो मतलब q की वैल्यू a आ जाएगी। तो यहाँ पे q की वैल्यू हम पुट कर सकते, तो ये c इज इक्वल टू मिलेगा q के जगह पे n e डिवाइडेड बाय a v, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो ये C इज इक्वल टू एन, तो हमें दिया हुआ है वो 10^12 इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10^-19 और डिवाइडेड बाय V, वो पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट, मतलब एक कैपेसिटेंस आएगा 1.6 × 10^2 ये -19 और ये +12 मतलब आएगा -7 और ये -7 और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो होगा -1, मतलब C कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 1.6 × 10^-8 और ये कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। और इसे ही अगर 10^-6 निकाल देते हैं उसमें से तो 1.6 × 10^2 ये रहेगा -2 और इसे लिख सकते हैं हम माइक्रो फैराड।